हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जी एम स्टडी क्लासेस तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम क्लास इलेवन कॉमर्स स्टेटिस्टिक चैप्टर नंबर वन जो है कलेक्शन ऑफ डेटा उसमें एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन जो सारे एक्सरसाइज में पूरे क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सारे क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग हो शॉर्ट हो सभी क्वेश्चन आंसर्स का फुल सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ तो आप पूरा वीडियो देखिए एक एक आंसर लॉन्ग शॉर्ट फुल डिटेल आंसर जो भी है पूरा का पूरा आंसर मैंने इस वीडियो में दिया है तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो दिया था और ये एक्सरसाइज वाला वीडियो मैं बना रही हूँ बिकॉज मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था जिनका नाम था कपशा खान सॉरी अगर मुझसे अगर कोई मिस्टेक हुई आपके नाम को आपके नेम को प्रोनाउंस करने में तो आपका जो कमेंट आया था आपको बेटा सॉल्यूशन चाहिए था पूरा एक्सरसाइज का जो चैप्टर वन है उसका तो उसके लिए मैं आपके लिए आ, वीडियो उसका जो है मैंने बनाया है आपके डाउट का तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टेटस्टिकल इंस्टीट्यूट तो उसका आंसर है द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टेटस्टिकल इंस्टीट्यूट वॉज द वेल नोन इंडियन स्टेटस्टिशंस प्रोफेसर पी प्रोफेसर पी सी महा लेनोबिस् मेनोबिस लेनो जो थे वो यहाँ के प्रोफेसर थे इंडिया के जिन्होंने फाउंड किया था स्टेटस्टिकल इंस्टीट्यूट तो इसका करेक्ट आंसर है ये वन मार्क का क्वेश्चन आंसर्स है तो मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं जस्ट रीड आउट कर रही हूं कोई कोई क्वेश्चन आंसर्स बिकॉज सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं जो अपलोडेड है चैनल पे तो आप वहां पर देख सकते हैं उसके बाद सेकेंड है डिफाइन पॉपुलेशन सेट ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडीज कॉल्ड एज पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल इन पॉपुलेशन सेंसस ऑल दिटिजन ऑफ द कंट्री इज़ पॉपुलेशन तो ये पॉपुलेशन में इंक्लीड हुआ है इंक्लूड हुआ है और नेक्स्ट है थर्ड नंबर डिफाइन सैम्पल सेट ऑफ यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम डिफाइनाइट क्राइटेरियन इज कॉल्ड सैम्पल For example, a set of randomly selected 90 students from a group of a group of 900 students of a school is sample. तो यहाँ पर आप ये example अगर ना explain करें answer में तो भी चलेगा but optional है मैंने इसलिए यहाँ पे include किया जो students इसे include करना चाहें वो कर सकते हैं। Last है define qualitative data. अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द एट्रीब्यूट इज कॉड क्वालिटेटिव डेटा फॉर एग्जाम्पल द डेटा ऑफ एजुकेशन लेवल ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर्स जो होते हैं उनका एजुकेशनल यहाँ पर लेवल देखना हो तो वो सब आते हैं क्वालिटेटिव डेटा में जो हम मेजर ऐसे ही नहीं कर सकते हैं वो सारे क्वालिटिटिव डेटा में आते हैं उसके बाद यहाँ पर टोटल सेक्शन बी के एट क्वेश्चन आंसर्स हैं तो बाकी के फोर भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ ये है रेस्ट ऑफ़ द आंसर्स फॉर सेक्शन बी डिफाइन क्वांटिटेटिव डेटा तो इसका आंसर है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द न्यूमेरिकल वेरिएबल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा फॉर एग्जांपल द डेटा ऑफ मंथली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री तो यहाँ पर मैं रीड आउट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर थोड़ा ये आ, ब्लर हो गया है इमेज आपको सही से नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं रीड आउट करी हूँ तो उसे इग्नोर कीजिए एक बार और आप डायरेक्टली मेरे प्रोनाउंसिएशंस देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सा वर्ड हो सकता है तो मैं रीड करती हूँ डिफाइन प्राइमरी डेटा द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एनी ऑथोराइज एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल प्राइमरी डेटा फॉर एग्ज़ाम्पल द डेटा ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कलेक्टेड बाई एन एस एस ओ एवरी टेन ईयर्स इन प्राइमरी डेटा तो ये सारे वर्ड्स थे जो यहाँ पर ब्लर हो गए हैं नहीं दिख रहे हैं क्लियरली तो ये सारे वर्ड्स मैंने रीड आउट कर दिए ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है इसलिए मैं एक एक रीड कर रही हूँ बट जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे ऑलरेडी एक्सप्लेन है प्रीवियस वीडियो में इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी सिर्फ मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँगी आप नोट डाउन कर लीजिए Seventh, they define secondary data. When an authorized agency or investigator uses the data collected by any other agency or investigator, then such data is called secondary data for the users. For example, if the data of population census used by any agency or investigator for their study, then the data becomes secondary data for them. वंस एक बार कलेक्टेड हो यूज हो प्राइमरी उसे अगेन यूज़ किया जाता है और किसी और से कलेक्ट किया जाता है यहाँ पर एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है आपको एन एस एस ओ या फिर कोई इन्वेस्टिगेटर कंपनी उनका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है जो पॉपुलेशन सेंसर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं वो सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बाद लास्ट है स्टेट द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा आर डायरेक्ट मेथड ऑफ इंक्वायरी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज तो ये वन मार्कर है इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पर नेम और मेथड स्टेट आपने कर दी है अब क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं सेक्शन सी का ये सेक्शन सी का फर्स्ट आंसर है uh, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये तीनों क्वेश्चन सेक्शन से यहाँ से स्टार्ट हो गया है तो आप मैं रीड कर देती हूँ स्टेट द डेफिनेशन ऑफ स्टेटिस्टिक गिवन बाय क्रॉक एंड कॉर्डन तो इन दोनों की यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है उसके बाद वॉट इज डेटा ये क्वेश्चन किया गया है तो इसका भी यहाँ पर आंसर आपको गिवन है उसके बाद वॉट इज क्वेश्चनरीज तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ़ क्वेश्चन रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी कीपिंग द स्पेस बिटवीन द क्वेश्चन फॉर द आंसर इज कॉल्ड क्वेश्चनरी बहुत ही सिंपल है यहाँ पर पूछा गया है, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए वॉट इज अनपब्लिश डेटा अनपब्लिश्ड डेटा क्या होता है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया और बाकी का थोड़ा आंसर नेक्स्ट पेज पे है जो मैं आपको यहाँ पर अभी शो कर देती हूँ ये आप इतना नोट no डाउन कर लीजिए ये लेफ्ट आउट जो फोर्थ आंसर था ये वो आंसर है पब्लिश सर्च डेटा मे बी कलेक्टेड ऑन रिक्वेस्ट ये सारा आंसर आप देख लीजिए उसके बाद फोर्थ है व्हाट इज वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसका भी आंसर है और सिक्स्थ जो है व्हाट इज़ एन एट्रीब्यूट ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है तो आप इस तरह से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ये सेक्शन सी का यहाँ पर कंप्लीट होता है सेक्शन सी में सिक्स आंसर्स थे जिनके आंसर्स आपको यहाँ पे मिल गए अब आता है सेक्शन डी पे सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोफेसर पी सी मेलोनोबिस इन डेवलपमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक इन इंडिया उनकी यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस बतानी है उनका क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा है स्टेटस्टिशन जो थे उनका तो यहाँ पर आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए कि वो कोलकाता यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया था पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स उन्होंने वहाँ से किया था और उसके बाद वो स्टेटस्टिशन यहाँ पर पॉपुलर हुए नेक्स्ट अभी भी इसका एक पार्ट रह गया है तो नेशनल सैम्पल सर्वे एन एस एस ओ वो भी यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये टू थ्री पॉइंट्स और दिखा दीजिए ये टू टू थ्री मार्क्स के आंसर्स हैं तो इतनी लेंथ रिक्वायर्ड रहेगी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाना है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा टू टू मार्क्स का आता है या फिर टू टू थ्री मार्क्स तो आप थ्री पॉइंट्स इनफ है इसमें इतने शो कर सकते हैं उससे ज़्यादा इस टॉपिक पे कोई पॉइंट्स आप नहीं नोट no डाउन कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे रही हूँ फ़र्स्ट चैप्टर का थियरी पार्ट का तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं गिव सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ प्राइमरी डेटा यहाँ पर हमें प्राइमरी डेटा के कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं तो जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए जाते हैं वो सारे प्राइमरी डेटा होते हैं तो उनके यहाँ पे एग्ज़ाम्पल गिवन है जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस जो होते हैं डायरेक्ट एन किया जाता है वो सारे प्राइमरी डेटा होते हैं इंडियन एग्रीकल्चर डेटा जो अपटेन किया जाता है आई तो ये सारी Renown, जो यहाँ पर कमिटीज़ होती है इंडिया की जो यहाँ पे इनके लिए बनाई गई होती है वो लोग सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस है वो सब यहाँ पर ये डेटा कलेक्ट करते हैं इनकी इनका सारा डेटा जो कलेक्टेड होता है वो प्राइमरी डेटा में इंक्लूड होता है तो आप यहाँ पर थ्री पॉइंट्स इनफ है थ्री पॉइंट्स आप यहाँ पर दिखा सकते हैं अगर आप और इसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहें या फिर टू पॉइंट्स या थ्री पॉइंट्स और इंक्लूड करना चाहें तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं जो फाइनेंशियल डेटा आरबीआई के पास होता है ये सब प्राइमरी डेटा कलेक्टेड होता है या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ गुजरात जो अटीरा जो यहाँ पर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं उसके बाद फोर्थ है डिस्कस द मेथड ऑफ़ क्वेश्चनरीज तो यहाँ पर मेथड ऑफ़ क्वेश्चनरीज हमें यहाँ पे दिखाना है तो ये थ्री मार्क्स का आंसर है तो सिक्स टू सेवन पॉइंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना ये जो लेंथ दिखाई गई है आपको इतना आंसर यहाँ पर लिखना होगा उसके बाद फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं तो जिन्होंने ये कमेंट किया था अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो पर रिप्लाई कीजिए कि आपने देख लिया है आपने देख लिया है और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप मुझे कुछ भी कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो देखा है और आप तक पहुंच गया है ये वीडियो जो आपका डाउट था वो सॉल्व हो गया और कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा है तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं डिस्कस क्वेश्चनरीज बाय पोस्ट अब बाय पोस्ट जो क्वेश्चनरीज आती है उस पॉइंट पे डिस्कस करना है जैसे कि बाय पोस्ट कंपनीज़ भेजती है कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा या फिर किसी ना किसी टॉपिक पे आपसे कुछ इंक्वायरी वहाँ पे वो लोग आस्क करते हैं तो उस पर आपको थोड़े पॉइंट्स लिख देने हैं टू टू थ्री पॉइंट्स तो ये सब आपके सामने स्क्रीन पर है एक्चुअली आप प, नोट डाउन कर लीजिए मैं एक, एक तो सारे रीड नहीं कर पाऊँगी बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर है सारे के सारे रीड करने में बहुत टाइम जाएगा उसके बाद है सिक्स नंबर का क्वेश्चन डिस्कस क्वेश्चनरीज बाय एन्यूमरेटर्स अब एन्यूमरेटर्स जो होते हैं उनसे जो क्वेश्चनरीज होती है एन्यूमरेटर्स वो लोग होते हैं जो पर्सनली एक फॉर्म और पेन लेके आते हैं पर्सनली बहुत पब्लिक प्लेसेस पे आपको दिख जाते हैं तो वो लोग भी वो लोग भी एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि वो उनका वर्क होता है वो उन्हें करना ही पड़ता है इसलिए वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो वो लोग अपने ड्यूटी को निभाने के लिए ये सारी क्वेश्चनरीज रखते हैं वो किसी ना किसी कंपनी से बिलोंग करते हैं और उन्हें ये वर्क मिला होता है कि आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है इतने लोगों से डेटा लीजिए उनके मोबाइल नंबर्स लीजिए उनसे कुछ ये सारी क्वेश्चनस पूछिए तो वो जो इन्योम्रेटर्स होते हैं उनकी क्वेश्चनरीज पे यहाँ पर थोड़ा हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं और कैसा एटमोसफियर क्रिएट करते हैं तो ये इतना आंसर आपको यहाँ पर कंप्लीट उसके बारे में लिखना है क्वेश्चनरीज बाय एन्यूमरेटर्स पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा फ्रॉम अनपब्लिश्ड सोर्स तो ये है क्वेश्चन सेवन यहाँ पर कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा जो है वो भी अनपब्लिश्ड सोर्सेज कौन से हैं जहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं तो ये इतना ही आंसर है जितना आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं डिस्कस सम एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक तो यहाँ पे हमें कुछ एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक की दिखानी है जैसे क्या क्या स्टैटिस्टिक में इंक्लूड होता है इंडस्ट्रीज टेक्निक्स डिसीजंस या फिर कोई टेक्निक्स फाइव ईयर प्लान्स तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है ऐसे क्वेश्चन बहुत कम रेयरली पूछे जाते हैं एग्जाम में बट दो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए अब स्टार्ट हो रहा है सेक्शन ई e, तो सेक्शन डी में एट क्वेश्चन आंसर्स एट क्वेश्चन आंसर्स थे अब हम डायरेक्टली आते हैं सेक्शन ई e पे सेक्शन ई e में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन उसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा तो आप डायरेक्ट स्क्रीन शॉट लेते जाइए प्राइमरी और सेकेंड्री डेटा के लिए ये दो डिफरेंस बिटवींस आपके सामने उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर सिक्स पॉइंट्स इनफ है आप सिक्स पॉइंट्स दिखा सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा बाय डायरेक्ट इंक्वायरी अब डायरेक्ट इंक्वायरी से कौन कौन सी ऐसी मेथड्स हैं जो हमसे डायरेक्ट इंक्वायरी करके प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है उस पर ये टू टू थ्री पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाए गए हैं तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिख सकते हैं इसलिए इतना इनफ होगा उसके बाद थर्ड पॉइंट डिस्कस द मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा बाई इनडायरेक्ट इंक्वायरी अब इन डायरेक्ट इंक्वायरी से कैसे प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है डायरेक्ट इंक्वायरी तो डायरेक्टली हमें आ, हमारे सामने सारी इंक्वायरी हमसे ले लेते हैं बट इन डायरेक्ट इंक्वायरी में कैसी सारी टेक्निक्स होती है मैथड्स होती है कि वो हमसे इनडायरेक्टली सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं उसका आंसर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर गिवन है ये आंसर यहाँ पर इतना ही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर डिस्कस द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा तो यहाँ पर अब ये बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं इस पॉइंट से तो मैं आपको बता दूं कि आप आ, अच्छे से पूरा आंसर कीजिए बिकॉज ये सारे पूरे लॉन्ग जो टॉपिक है उस पर एक ही आंसर बनाया गया है जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आ भी सकते हैं थियोरी के कोई एक क्वेश्चन शायद आपकी आ जाए एग्ज़ाम में इस ऐसे थियोरी टाइप तो उसका फर्स्ट जो है हमें कलेक्टिंग डेटा उसकी मेथड बतानी है सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है फर्स्ट है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती है उसे फिर से यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं तो वो सेकेंडरी डेटा बन जाता है उसके बाद सेकेंड होता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जो सेमी गवर्नमेंट होती है मतलब आधी प्राइवेट कंपनी और आधी गवर्नमेंट से पब्लिश किया गया जो प्राइमरी डेटा होता है उसे फिर से यूज़ करते हैं तो वो सेकेंडरी सोर्स बन जाता है डेटा का नेक्स्ट आता है पब्लिकेशंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स फोर्थ है रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इनको भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आप इंट्रोडक्शन इनके ऊपर दे सकते हैं कि ये सब क्या है कौन सी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है फिफ्थ है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड ऑटोनोमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सब के ऊपर यहाँ पर आपको दिया गया है आपको और कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आप इसमें से डायरेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं आंसर और लास्ट है न्यूज़पेपर एंड पेरियाडिकल्स न्यूज़पेपर और पीरियडिकल्स इनफ है उसमें आ जाता है डेटा तो वो सब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्कस ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ़ स्टैटिस्टिक अब स्टैटिस्टिक का ओरिजिन कैसे हुआ और उसने ग्रोथ कैसे ली तो ये भी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है पहले ओरिजिन आपको टेन टू इलेवन पॉइंट्स में समझाना है उसके बाद ग्रोथ का भी सेवन टू एट पॉइंट्स आपको लगेंगे यहाँ पर डिस्कस करने में तो ओरिजिन वाले पॉइंट्स आपके सामने स्टार्टिंग uh, से आई मुझे पता है आई नो के यहाँ पर ये डेट्स और ईयर्स आपको याद नहीं रहेंगे नेम्स भी ऐसे ऐसे याद नहीं रह सकते बट ट्राई कीजिए जो भी आप यहाँ पर याद कर सके सब टेक्स्ट बुक का ही है वो यहाँ पे दिया गया है तो ये मैं सब टेक्स्ट बुक का ही दिखा रही हूँ तो आप ये सब भी लिख सकते हैं उसके बाद ये रहा ग्रोथ ऑफ़ स्टेटस्टिक इन इंडिया ग्रोथ कैसे की कौन से कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस आगे आए स्टेटिस्टिक में कंट्रीब्यूशन करने के लिए इतना आंसर यहाँ तक का आपको दिखाना है नेक्स्ट सिक्स नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी तो अब आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डायरेक्ट इंक्वायरी के क्या हैं वही के वही सब मैंने यहाँ पे लिए हैं जो भी आपके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं फोर टू फाइव पॉइंट्स एडवांटेजेस के दिखाए गए हैं और डिसएडवांटेजेस के भी फोर टू फाइव पॉइंट्स आपको दिखा देने हैं तो आप नोट डाउन करते जाइए अगर आप इतना सारा डेटा नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही करूँ क्योंकि मैंने कहाँ पे कौन से यहाँ पर पेस्ट किए हैं जो भी यहाँ पर डेटा सारे क्वेश्चन आंसर्स के तो वो मैं आपको बता रही हूँ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ अब सेवेंथ नंबर का डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी अब इनडायरेक्ट इंक्वायरी पे भी इतना का इतना आंसर आपको लिखना रहेगा तो ये सारे उसके एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेजेस है बस इनडायरेक्ट इंक्वायरी का आंसर इतना ही था अब देखते हैं एट नंबर का क्वेश्चन ये लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई इसमें इलेवेंथ तक है क्वेश्चन आंसर जिसमें हम ऐट नंबर पर हैं डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनरी आइडियल क्वेश्चनरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है तो एट पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है उसका टाइटल जो क्वेश्चनरीज बनाते हैं उसमें एक तो टाइटल गिवन होता है कि किस बारे में क्वेश्चनरी है उसके बाद उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखे जाते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए एक में ताकि बेटर रिस्पांस मिले उसके बाद ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस होता है जैसे सबसे पहले आपका नेम उसके बाद आपके मोबाइल नंबर एड्रेस फिर लास्ट लास्ट में आपसे पूछा जाता है आपका क्वालिफिकेशन या फिर जो भी डेटा वो आपसे लेना चाहते हैं वो लास्ट में आता है उसके बाद लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चनस अब लोकल लैंग्वेज जैसे गुजराती में देना है हिंदी में देना है इंग्लिश में देना है वो भी वो लोग देखते हैं तो यहाँ पर लेंथ ऑफ क्वेश्चनस क्या है ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो होनी चाहिए क्वेश्चनरी में टाइम है कॉन्फिडें confident, कॉन्फिडेंशियली है और ट्रायल तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियली टी हाँ कॉन्फिडेंशलिटी और ट्रायल दोनों आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं ये सारी एट कैरेक्टरिस्टिक्स है नाइन नंबर के देखते हैं डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनरीज बाय पोस्ट अब पोस्ट से जो क्वेश्चनरीज आती है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थ्री टू फाइव पॉइंट्स हम देखते हैं दोनों पे तो ये डायरेक्ट उसके एडवांटेजेस है और ये डिसएडवांटेजेस हैं तो फ्रेंड्स मुझे पता है थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज बहुत बड़ा सेक्शन है ये ई वाला भी और सारे सॉल्यूशंस एक ही वीडियो में है तो आप जल्दी से यहाँ पर देखते जाइए हम आगे स्टार्ट कर देते हैं ये नाइन नंबर का देख लिया अब टेन नंबर का डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनरीज बाय इन्यूमरेटर्स अब इन्यूमरेटर्स मैंने आपको जो बताए थे उन्हीं पे फिर से क्वेश्चन आया है कि उनकी क्वेश्चनरीज पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए तो यहाँ पर ये उनके एडवांटेजेस हैं मेथड आपको बता देनी है और डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे दिखाए गए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट वाले कम आते हैं तो आप एक ही क्वेश्चन कोई अच्छे से थरोली रीड कर लीजिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर एलेवन लास्ट क्वेश्चन फाइनली चैप्टर का डिस्कस व्हाट टाइप्स ऑफ प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा अब सेकेंडरी डेटा अगर कोई यूज़ कर रहा है तो क्या प्रिकॉशंस उसे रखनी चाहिए फर्स्ट रिलायबिलिटी रिलायबली रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि अगर वो सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहा है तो उसकी लेवल देखनी चाहिए उसे वेरीफाई करना चाहिए कि जो डेटा पब्लिश है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से और ये आ, मतलब टोटल आइडियोलॉजी जो है वो रखता है या नहीं एक्चुअल में रियल है या नहीं तो ये सब पहले ही कन्फर्म कर लेना चाहिए उसके बाद उसका पर्पस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा भी होती है टाइम ड्यूरेशन का भी ध्यान रखा जाता है स्कोप ऑफ डेटा लिमिटेशंस अल्टरनेटिव्स, तो यहाँ पर ये सेवन पॉइंट्स आपको शो करने हैं तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो भी ओवर होता है और फर्स्ट चैप्टर के पूरे सॉल्यूशंस का भी यहाँ पे ओवर होता है तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि सेकेंड चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वो भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सेकेंड चैप्टर के भी वीडियोज़ चैनल पे अपलोडेड हैं अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं स्टेटस्टिक की प्लेलिस्ट भी बनाई गई है चैनल पे तो स्टेटस्टिक की प्लेलिस्ट में लाइन वाइज सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा है वीडियो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई सॉल्यूशन आपको चाहिए कोई डाउट्स है तो भी आप मुझे कभी भी कमेंट करके बता सकते हैं मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके वीडियो का आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी और उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय